विगत 16 अगस्त से लापता हुए भारी बमस के पदाधिकारी तथा वाड़े गांव के पूर्व सरपंच आसिफ खान मुस्तफा खान की लाश लगभग 8 दिनों के तलाशी अभियान के बाद दहीअंडा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले वड़द ब्रह्मपुरी गांव के समीप पूर्णा नदी में मिली। विगत 16 अगस्त से लापता हुए भारी बमस के पदाधिकारी तथा वाड़े गांव के पूर्व सरपंच आसिफ खान मुस्तफा खान की लाश लगभग 8 दिनों के तलाशी अभियान के बाद दहीअंडा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले बड़द ब्रह्मपुरी गांव के समीप पूर्णा नदी में मिली। आरोपी ज्योति गणेशपुरे, वैभव गणेशपुरे, स्वप्निल वानखड़े तथा अन्य आरोपियों ने 16 अगस्त की रात आसिफ खान की हत्या कर उनकी लाश मैसांग के समीप पूर्णा नदी में फेंक दी थी। लाश मिलने की खबर मिलते ही दहीअंडा पुलिस घटनास्थल पहुंची। जिला पुलिस अधीक्षक को जानकारी दी गई। शव मृतक आसिफ खान का होने की पुष्टि आपातकालीन बचाव दल व पुलिस अधीक्षक ने की। शव का पंचनामा कर अगली पुलिस कार्रवाई जारी है। यह हत्या का मामला उजागर होने के बाद 16 अगस्त से लापता आसिफ खान का शव ढूंढने का काम पुलिस द्वारा युद्ध स्तर पर चल रहा था। इस काम में पिंजर के गाड़की बाबा आपातकालीन बचाव दल के अध्यक्ष दीपक सदाफले के साथ उनकी 40 लोगों की टीम पूर्णा नदी में आसिफ खान की लाश को तलाश रही थी। शव को ढूंढने के लिए 2 दिन पूर्व ही जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कलासागर ने रेस्क्यू टीम को पावरफुल ड्रोन कैमरा उपलब्ध कर दिया था। विगत 16 अगस्त की रात आसिफ खान की हत्या करने और उनकी लाश पूर्णा नदी में फेंक जाने की स्वीकारोक्ति इस मामले की प्रमुख आरोपी वाशिम जिला परिषद की सभापति ज्योति गणेशपुरे ने पुलिस के समक्ष की। उनके साथ छह आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आसिफ खान मुस्तफा खान वाड़े गांव के पूर्व सरपंच थे तथा भारी बमस के पदाधिकारी भी थे। साजिद सौदागर, SN न्यूज़, अकोला। बोलो बॉस, पानी क्या बोल रहा बॉस? बहुत पानी चालू है। अरे हाँ, रोमांटिक मौसम का है, चलो चढ़ा बोलेगी। तुम्हारे भी दूसरा काम ही नहीं है। क्या करो बोलो तुम? तुम टेंशन ले रहे भाई, मैं टेंशन जो हूँ बराबर है तुम्हारा। बड़ा लेकर लेकर क्या कर? सही है, बराबर है। कहाँ बराबर है? तुम जो बोलते सब बराबर है। तो क्यों क्या नहीं समझ में आ रहा? बराबर है, ये है, तो तुम जो बोलते सब बराबर है ना? तुम जो बोल रहे हो सब बराबर है। बोला क्या है? हम घर में क्या बोलूं मैं, रोमांटिक आका भैया बोले मेरे को आज रात भर। क्या बात है? कर कहाँ बोल रही? मैं मुर्तजापुर में, मैं बहन के आया हूँ आज। और जाओ मत। जाओ मत ना, तुमको इसलिए तो बोल रहा मैं कि मैं वहाँ जा रहा। हाँ हाँ, कल कम ज्यादा कुछ होगा तो ध्यान रखना। फिर भी जाती मगर? हाँ जाती मगर, फिर भी क्या बोले? फिर भी जाती मैंने बोला, देख ले उसे। अरे ऐसा क्यों नहीं रहता दादा, तुम्हारे को मालूम है, अब जानबूझ के ऐसा इतना। भैया जी, खाने पीने से थोड़ी हो जाया करता। ये समझ लो प्रोग्राम चल रहा है, जब से कभी उसके नहीं। वो बात तुम बोल रहे हो तो बराबर है, लेकिन जब अपने को समझ रहा हालात खराब है, टाइम ऐसे चल रहे, काय को रिस्क लेने का? इतना तो नहीं कर सकती हूँ ना। अरे दादा तुम क्या बात कर रहे, इतना नहीं कर सकती तुम? उसका पूरा राजकारण का करियर की ऐसी तैसी करके रख दे रहे तुम्हारे, वो इतना नहीं करेंगे? मामूली बात है कि आज बोले तो समझ लो, अपने छड़ी भी अगर ग्राम पंचायत का अपना एक मेंबर इधर उधर होगा या किसी के आने से फर्क पड़ेगा तो दिल बोलता कि नर्डी दबा देना करके उसके, हम तुम तो पूरी उसकी लाइफ का खाता खत्म कर दो। जो लोगों ने कभी उसके सामने खड़े रह के बात नहीं करे, आज वो उसके विरोध में खड़े रह रहे ना वहाँ। बहुत दूर निकल गए लेकिन बहुत गया ना, इससे मैंने दिल में आया, मतलब यार अपना एक आदमी बता सकते कुछ, उनको पता
मेरी तो सलाह है कि तुम नहीं जाओ घर के। ग्राम भाई पहुंच गया ना, घर तक आ गया ना। देखो कैसा कर, देखो कैसा करने का, वापस आ सकते हैं अभी। ना बाबा टेंशन नहीं लिया ना बेचारे ने, क्या हो रहा क्या हो रहा। मैं तैयारी से जा रहा, मत फिक्र मत करो। अरे भाई कितनी भी तैयारी करे तो वो चीज ऐसी है कि उन्हें रजवाड़ों के राजगवा के राजाओं को नहीं सुधरेंगे तो अपने भी क्या सुधरेंगे। जो बोल रहे उसमें तो इसलिए तो मेरे को थोड़ा ये लग रहा था, मैंने बोला मेरा तो बोलना वही से तुम्हारे को क्या, जाओ मत। क्योंकि अभी तक के जैसा कैसे, चलो ठीक है अपन ने इससे पहले दो चार बार ऑफर आ गए, अपन होकर आ गए, बात समझ में आती है। और अचानक से ये बात अभी, और वो भी खुद से नहीं, खुद से नहीं है। और हमारा ये जाने का प्लान है वहाँ पे, बहुत बार दो तीन बार हुआ जिंदर होकर। अच्छा, और जहाँ जाने का था वहाँ उसके बहन के घर। उसके बहन, उसके बहन बोलेंगे नहीं क्या? हाँ नहीं, उसके बहन को यहाँ बुला लेना, वो प्लानिंग का कर तो उसका कोई नहीं रहा घर को ना। वो उसको यहाँ बुला लिया, ये वहाँ जा रहे। देखो भाई मेरे को तो नहीं लग रहा थी, सोच समझ के जाके क्या घर वहाँ की पोजिशन। अरे अपन चलती कर दो बहन, उसको मेरे को देख के मैं देखता क्या पोजिशन है, तो अगर कुछ ऐसा रहेगा तो तुमको बोल देता मैं तुम्हारे सामान पर डाला मैंने। हाँ इसलिए क्यों डाला था तुम्हारे सामान पर? बराबर। अगर मेरे चुपचाप जाना रहता तो मैं जा बोलता था तुम्हारे की, तो उसे वो बोला नहीं, मैं तुमको बोल रहा हूँ मैं। हाँ अच्छा,